हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पूरा ग्रुप इकट्ठा हो चुका है, देखिए। तो गाइस हमारे केक रेडी हो चुके हैं। ये हमारा ब्लूबेरी और ये है ब्लैक फॉरेस्ट। इसमें हमने लिखवा दिया जीजा जी, इसमें हम लिखेंगे डैड। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? खूब करते, बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारे पापा जी का जन्मदिन है, 9 जनवरी को आता है और 9 जनवरी है। तो आज पापा को हमने बर्थडे विश रात में केक वगैरह काट दिया था हमने। और लड़की कहाँ घूमती फिर रही है ऊपर मजे से, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए अभी रात पूरा कोहरा आ गया था, तो थोड़ी धूप निकल आई है, फिर भी बादल दिख रहे हैं, अभी ये भी हट जाएंगे। ये अच्छी बात है कि उत्तराखंड में, मतलब देहरादून में धूप निकल आ रही है, और जगह कहीं भी धूप नहीं। क्योंकि जब हम हैदराबाद से चले थे और कंटिन्यूस 2 दिन हमें सूरज देखने को नहीं मिला, इतना कोहरा था दिन में भी और रात में, तो बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाई थी। वो वीडियो सब अब देखेंगे, धीरे धीरे मैं डालना शुरू करूँगा, तो अब इन्जॉय करेंगे। वो सीरीज़ भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारी ट्रिप बहुत अच्छी गई थी, ज़बरदस्त मज़ा आ गया था। मतलब 5 जगह लोकेशन कवर की थी, मैं बता देता हूँ आपको। चेन्नई थी उसमें, फिर एक वहाँ से हम पांडिचेरी गए थे, फिर वहाँ से हम रामेश्वरम भी गए थे, और फिर उसके बाद हम ऊटी भी गए थे। ऊटी लास्ट टाइम आए थे हम होते हुए, उससे पहले हम एलईपी गए थे। न्यू ईयर हमने एलईपी बनाया था, बहुत ज़बरदस्त बना था हमारा। तो बस आज पापा का बर्थडे है, तो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। पंजाब से मौसी वगैरह भी आगे, देखिए गाड़ी खड़ी है यहाँ पे पंजाब की, इनकी मौसी की गाड़ी। मैंने कई पिछले ब्लॉग में दिखाई भी थी, 1-2 ब्लॉग में, जो काफ़ी पहले जब मौसी आई थी। इसमें हमने काफ़ी ट्रैवल भी किया था, काफ़ी जगह गए थे, हरिद्वार वगैरह भी गए थे, तो वो ब्लॉग आप देख सकते हैं उठा के। तो बस अभी प्लान कुछ ऐसा है कि अभी तो होटल चल रहे हैं, वहाँ पे जाके अभी थोड़ा नाश्ता करेंगे। शाम को पार्टी होनी है, होटल पे ही करेंगे, सारे अरेंजमेंट वहाँ करके सारा कुछ बनवा रखा है, वहीं पार्टी करेंगे। हरिद्वार से मौसी है, वो भी आएंगी, वो आपने कई ब्लॉग में देखी होंगी। फिर मौसी तो आई रखी है, अभी इनसे मिलवाता हूँ आपको। उसके बाद फिर सीधा रात भर इंजॉय करेंगे। फिर वहाँ प्रेमनगर से भी आ रहे हैं मम्मी, मदर इन लॉ वगैरह, और शायद बंदा वगैरह आएंगी, तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। देखते हैं उनका क्या प्रोग्राम है। हैप्पी बर्थडे। तो ये प्रिंस आ रखा है, ये भी नहा के निकला है। नहा लिए ठंडे पानी से? ठंडे पानी से ठीक था। अभी लाइट जा रखी है हमारे यहाँ, सुबह चली गई थी 9 बजे, अभी मैं सब चीज़ बताता हूँ। चले ये हमारे नहीं मिलता है, बंदूक लेके खिलौने लेके आ रखा है पूरे। देखो उसके खिलौने दिखाता हूँ, ये देखो सारे उठा उठा के ला रखा है वहीं से, अभी ट्रिप से। हाँ सब कुछ देखो, बंदूक ऐसे गैंगस्टर हो गए हैं। गैंगस्टर है तो सारे में ले रखे हैं। तो मैं बताऊँ, मासी हमारे लिए बिस्कुट लेके आ रखे। देखो पंजाब के एक स्पेशल बिस्किट है, आटे के बिस्कुट होते हैं, ये नूडल्स, स्पेसिफिक नूडल्स आ रखे हैं। ये हमारी मौसी जी है, ये कल आई है हमारे साथ, रात को आया ना, हाँ रात होगी थे आते आते। तो आपने इनको भी देखा होगा हमारे कुछ वीडियोज़ में पहले, जो हरिद्वार वाली सीरीज रही थी हमारी, जिसमें हमने मनसा देवी वगैरह किया था। तो सही सा है, कोई दिक्कत तो नहीं आने में? वहाँ का मौसम कैसा है पंजाब का? बहुत ठंड है। ठंड है ना, वहाँ कोहरा, धूप नहीं निकल रही ना? यहाँ देखो यहाँ तो निकल भी गई धूप हमारे यहाँ, उत्तराखंड तो बस खैर अच्छा है ही है। तो ये बिस्कुट की बात कर रहा था मैं, देखिए आटे के बिस्कुट है, कितने ज़बरदस्त, मेरे फेवरेट है, बचपन से बहुत खाया मैंने, क्योंकि प्योर आटे के होते हैं, मैदा कुछ मिक्स होता है। अब तेरा बचपन में है बच्चों, अब तू खा। लार की मौसी प्रिंस लार का है कुछ स्पाइसी नूडल्स, ये क्या चाइना चुने के है क्या? कोरिया के, चाइना में आजकल बड़ा वायरस चल रहा भाई, बहुत ज़्यादा। चलो रात को, कल रात, कल खाएंगे इसे बना के, कल ट्राई करेंगे इसे। तुम नहीं खा पाओगे, उसमें लिखा हुआ है रेड रेड, मतलब बहुत स्पाइसी है। तो खाने में तो मिर्च खा नहीं पाते, ही खा लेगा जरूर। तो यहाँ पूरा ग्रुप इकट्ठा हो चुका है, देखिए ये देखिए, यहाँ बंदा आई है, मम्मी आई है प्रेमनगर से। कितनी देर हो गया आए हुए? 6:45 हो रहे हैं, अब 1 घंटा भी नहीं हुआ इन्हें, बाकी को छोड़ के क्यों आगे घर पे? हाँ बस में जगह नहीं थी, अरे एरोप्लेन में जाते सीधा, एरोप्लेन में। हो फिर तैयार बर्थडे पार्टी में जाना नहीं क्या? बर्थडे पार्टी में जाना नहीं, तैयार हो? 7 बजे आ जाना वहाँ, बस 7 बजे। वंदा तो तैयार होगी यार, की ये काजल ये रहेगी स्नेहा, तो वंदना काजल एक साथ निकलता ना, तो आदत पड़ेगी ये। नहीं लोग हीटर में लगा के बैठे हो आराम से,
अरे इतने दिनों साथ में रही ना, वहां तो काजल काजल मुंह पे चढ़ गया नाम। वो भी तो इन्हें रंग मेरा नहीं चढ़ा। उसे तो मैं गुंजन बोलता हूँ ना, तो नहीं ये तो वंदना का बोला ना, तो एक साथ वंदना काजल निकलता मुँह से। हाँ तो काजल काजल निकलता ना फिर नाम एक साथ। हाँ क्या दिक्कत क्या है, तैयार हो फिर जितनी जल्दी आओ उतनी जल्दी बैठो। क्या करोगे यहाँ घर पे बैठ के, ठंड क्या है देखना, पार्टी देखो। वहाँ एकदम स्टैचू जैसे बैठे रहना, वहाँ आग चल रही, नीचे आग में बैठ जाना चाहे नीचे, जाना तो ऊपर ही पड़ेगा। ये देखो कितने काम चोर है, बैठे बैठे चाहिए सब कुछ, हीटर तो चला के बैठे हुए अंदर, वो भी घर के। बाहर तो सोचो क्या हाल हो रहा होगा, कोहरा दिख रहा होगा कैमरे में, हल्का कोहरा पड़ने लग गया बाहर। तो बस मैं भी अभी जा रहा हूँ केक लेने, केक का ऑर्डर कल से दे रखा है हमने, दो केक कटेंगे आज, एक तो कल कट चुका है। रात को मैं शॉर्ट्स डालूंगा, वो देखना अलग से मेरे शॉर्ट्स पे जाके। और दो केक अब कटेंगे, एक मामा जी का जो अमेरिका रहते हैं उन्होंने बोला है काटने के लिए, उसमें हम स्पेशल लिखवाएंगे जीजा जी, और एक हम करवाएंगे डैड के हिसाब से जो हम बनवा रहे हैं। पहले केक ही नहीं कटता था, अब एक नहीं अब कई केके कटने लगी है भाई। हाँ तो सही बात है यार, पहले लोग जन्मदिन ही मनाते थे। अब शौक हो गया ना, शौक बड़ी चीज है। सुनी नहीं कहावत, और क्या अंग्रेज तो गए औलाद को छोड़ने के लिए। वैसे मैं बता दूं, पापा पहले केक काटते नहीं थे बिल्कुल भी, ये कितने चार पांच साल से काटने लगे केक। 7 साल पहला केक में लाई थी। हाँ ये पहला केक लाई थी, हाँ तब से काट ले हम, जब से अब मतलब शादी से पहले तो बिल्कुल कोई काटता ही नहीं था केक घर में, पापा भी नहीं काटते थे कोई भी नहीं, फिर अब स्टार्ट कर दिया काटना, अब सब मजे से काटते हैं, अब मजा आता सबको। हाँ बचपन में बचपन आया है बाहर, और क्या क्या करें, शुगर के पेशेंट इतने क्या करें, खाना कम पड़ता है और मजे तो लेंगे ना। हमने भी पहले सूजक सुमित का भी मतलब काट लेते थे बाकियों का, अब तो सूजक सुमित सात सात केक काटते भाई, सात सात काट लेते थे लड़कियों को, काट के नहीं थे नहीं, बर्थडे मनाते ही नहीं थे किसी का, अरे गुड़िया का ही पड़ता था गुड़िया, हमारे घर में भी ऐसे ही ऐसे ना करो, हमारे भाई के काट लेते थे घर में, किसी को बुलाते नहीं थे हम घर में। गाइस यहां बहस छिड़ चुकी है केक के ऊपर ही, इन लेडीज लोग को टॉपिक चाहिए बस बहस छेड़ने का, बहस छिड़ चुकी। ये देखो ये एक महान लेडीज, बस करो क्या बहस कर रहे हो केक के पीछे, लड़ लोगे क्या, कोई फर्क नहीं होता लड़का लड़कियों में, कोई फर्क नहीं भाई, बराबर रखना चाहिए। अरे यार पोल खोलने की जरूरत नहीं है अभी, बेकार में पोल खोली जा रहे हो, तो ये तो पोल खोली जा रही है। मम्मी लड़कों का तो करती है भाई, करती है मम्मी, जो सही है वो तो सही है, लड़कों का तो ज्यादा करती है। ये लड़की ज्यादा एक्साइटेड होगी लग रहा है, वो शर्मा रही है यार, मत करो। पोल खोल ब्लॉग का नाम देंगे, ये टाइटल पड़ेगा। दाल का तो बहाना है, दाल और अचार का चाहिए सब कुछ, ऐसा नहीं। तो गाइस सब हम चलते हैं, इनकी भैंस चढ़ती रहेगी, ये वो इनको तैयार होने के लिए बोल दिया, साथ में लेने आएंगे, तो चलते हैं फटाफट। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं केक लेने, फिर आपको केक ला के दिखाएंगे होटल में, दो दो केक कटेंगे। ऑर्डर मैंने एक ब्लूबेरी का दिया था और एक ब्लैक फॉरेस्ट का, दोनों डिफरेंट केक्स हैं। चलते हैं फटाफट, अंधेरा ऑलरेडी हो चुका है, 7 बजे सब पहुँच जाएंगे वहाँ पे होटल में, फिर वहीं चल के आपको सबको मिलेंगे, चलिए फटाफट। तो गाइस हमारे केक रेडी हो चुके हैं, ये हमारा ब्लूबेरी और ये है ब्लैक फॉरेस्ट, इसमें हमने लिखवा दिया जीजा जी, इसमें हम लिखाएंगे डैड, अपोजिट है एकदम, ब्लूबेरी में ब्लैक फॉरेस्ट है कलर के हिसाब से, और इसमें ब्लैक फॉरेस्ट है, ये ब्लूबेरी है इसके अंदर वाइट में, तो अभी इसे पैक करवाते हैं लेके चलते हैं।
आज सब लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट ले कह रहे हैं भी हरिद्वार में मौसी और नहीं आए, उनको आधा घंटा लगेगा, वो हमेशा लेट लतीत हैं, हमेशा लेट ही आते हैं। तो बंदा और सब बैठ गए, हमने तो फालतू के दो दो टेबल सजा दिए यहाँ पे, मुझे तो बंदे कुछ लग रहा है एक ही टेबल पे आ जाएंगे सारे। क्या वेरी गुड, सारे प्लानिंग करके ला रखे, वो भी वही ला रहे हैं। गाइस गिफ्ट तो आपको लास्ट में दिखाएंगे, क्या क्या मिला है सबको गिफ्ट, वो आप देखना, सबका एक जैसा ही रहेगा गिफ्ट, इफ कोइंसिडेंस है ना, आप सबका एक जैसा ही देंगे। तो अरेंजमेंट वगैरह सब कर दिया हमने। गाइस यहाँ पे पार्टी शुरू हो चुकी है, स्प्रिंग रोल और चाउमीन से शुरुआत हुई है, सूप पहले पी चुके हैं, इधर भी चाउमीन ही चल रही है अभी, हमारे सिर्फ दो अंकल आ रखे हैं और तो कोई है आया नहीं खास, बुलाया नहीं किसी को। अभी मच्छी के पकौड़े और चिकन वो आ रहा है, चिली चिकन, यहाँ सारे नॉन वेज वाली बाटे, ये वेज कम ही खा रहे हैं अंकल, दो अंकल आ रखे हमारे। हाँ देखो चिकन के दीवाने, तीन पीस तो खा रहे थे हमने। सारे लोग आ चुके हैं, देखिए ये देखो यहाँ मस्ती चल रही है, ये हमारे अंकल आंटी आंटी हो गए। किस बारे में क्या है जेब में, नहीं रख दो, क्या छुपा रहे हो, ये पैक करके ले जा रहे हो, वैसे पैक कर देंगे यार, अपना ही होटल है, टेंशन मत लो, ऐसे छुपा के ले जाने की जरूरत नहीं है, अपना ही होटल है। जो गाइस इट्स टाइम फॉर कटिंग द केक, केक काटते हैं, केक कटने का टाइम हो गया, तो खा पी के निपट गए स्नैक्स, अब सीधा डिनर ही करेंगे, देखते कौन कौन करता है। अभी यहाँ सफाई चल रही है हमारे पे, आज देख ही रहे हो आप, दो केक लाया था मैं, दिखाए थे मैंने, ये दोनों केक एक साथ कटेंगे आज। केक आ चुका है, देखिए इसमें जीजा जी लिखवाया था, ये ब्लैक फॉरेस्ट है जबकि ये ब्लू होना चाहिए था, और ये ब्लूबेरी है, तो ये देखो उल्टा, सबको नाम कन्फ्यूजन है, तो हमने बहुत अलग ही बना रखा है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है और ये ब्लूबेरी है, देखो एक एक फूलों पे लगा दो ऐसे। गाइस ये देखिए जो कहा था, ये है ब्लैक फॉरेस्ट, देख रहे होंगे आप अंदर, अंदर से देखो गाइस, अंदर से जूम करके देखना, इधर से पेंटिंग करवाई थी तो पता ना चले ताकि खुफिया रहे, और ये देखिए ब्लूबेरी है, ये ब्लूबेरी है, ये अभी भी नहीं पता लग रहा कि ब्लूबेरी था, गाइस ब्लू का टेस्ट आ रहा है ना ब्लूबेरी का। गाइस अब गिफ्ट देने की बारी आ गई है, देखिए अब दिखाते क्या क्या दे रहे हैं। ये देखो ये है मौसी ने दी है जैकेट, तो आप समझ गए होंगे हम जैकेट की बात कर रहे थे, सबने सेम दे रखा जैकेट, एक और जैकेट, ये हमारी तरफ से जैकेट, और लेट आओ, और लेट आओ, लो तुम भी दो, लो एक दो, ये लो एक और जैकेट,
अब ये खोल के देखेंगे इसमें क्या क्या ला रखा है। ये अंकल और ने दिया था, ये मौसियों ने दिया है। दो तीन साल की छुट्टी अब है ना, दो तीन साल की छुट्टी अब। ओके फ्रेंड्स, बस पार्टी अच्छे से निपट गई है, अब सब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है फिर गाइस, अब घर चलते हैं। ऊपर तक वीडियो अच्छी लगी हुई, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन फेयरवेल माय फ्रेंड्स। और अब शुरू होने वाली है एक नई सीरीज जो मैंने बताया था, चेन्नई वाली। फेयरवेल माय फ्रेंड्स, बाय।